इसको लेकर के तो हम लोगों ने लगातार जो है आवाज उठाया। आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो हमने ये साफ तौर पे बोला था ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारत बंद के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अपने इस बयान में उन्होंने नीतीश कुमार हो या मांझी या फिर चिराग पासवान, सब पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार को जहां लाचार बताया है, वहीं मांझी और चिराग के सामने सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से तेजस्वी यादव ने पूछा है कि मांझी कहते हैं कि वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, लड़ाई करेंगे, तो क्या इस आरक्षण का फायदा उन्हें, उनके बच्चों को मिलेगा। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर फिर अपने बयान को दोहराते नजर आए तेजस्वी यादव और सवाल किया कि चिराग पासवान का ही बयान था कि जो संपन्न दलित हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो अब चिराग पासवान जीतन राम मांझी के बयान पर क्या कहेंगे। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे, उनका ये बयान सुने। इसको लेकर के तो हम लोगों ने लगातार जो है आवाज उठाया। आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो हमने ये साफ तौर पे बोला था ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया। लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, एकल पद करके कृषि विभाग में हमने कल भी मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भी देखा 368 पदे हैं उसको एकल पद कर दिया गया, ना OBC रहेगा, ना SC रहेगा, ना ST रहेगा। तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया और आप लोग भी जानते हैं जो लेटरल एंट्री की जो बात हुई इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इश्यू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, संविधान जो है संविधान बचा रहे, आरक्षण लोगों को मिलता रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं मांझी जी, हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे, तो मांझी जी आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं, आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता, आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता, तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे, ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या करना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में, दोनों एक ही गठबंधन में है, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान यही चिराग पासवान है, उनका कई जगह इंटरव्यू है, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं बोला, चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए, ये उनका बयान है। लेकिन सरकार जो है लगातार इस तरह का काम कर रही है, जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ये लोग सत्ता के भागीदार हैं। नीतीश कुमार जो है दम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। और बकायदा जो है अपराध जो है बिहार में चरम सीमा पर, बेचारे हमारे मुख्यमंत्री जो है अब उनके बस की बात नहीं रह गई है, बिहार उनसे चल नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं उनके हाथों में है, गृह मंत्रालय भी उनके हाथों में है और पूरी तरीके से जो है ये फेल हो चुके हैं। थके हुए हैं मुख्यमंत्री, लगातार हम जो है बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध का, बिहार में कितना अपराध भरा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं,
सब लोग भयभीत हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं लोग। आजकल तो घर में ही घुस करके हत्या कर दी जा रही है, बम फोड़े जा रहे हैं पटना में, उसका भी वीडियो हमने जो है रिलीज किया। मतलब पटना जैसे शहर में बम जो है वो भी फोड़ा जा रहा है। तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार असमर्थ लग रहे हैं और इकबाल उनका पूरी तरीके से प्रशासन से ख़त्म हो चुका है। और आप भी जानते हैं कि पुलिस के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके हाथों में तो है नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग। जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वही तबादला करते हैं, और कैसे करते हैं ये पूरा बिहार जो है जानता है। तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उनको कोई मतलब नहीं है। अपने काम में वो जो फेल हो चुके हैं तो उनको बोलने के लिए क्या है? लेकिन ये पूरा देख रहा है, डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ इनके पास है और लगातार अपराध इस तरह से बढ़ रहा है। तो हम जा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उससे हाजीपुर जो है हम लोग मिलने जा रहे हैं, और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। नहीं नहीं अपराध अपराधियों को तो सबसे पहले कि जो अपराध जो है वो पूरी तरीके से अपराधी जो है उनका मनोबल ऊंचा हो रखा है नीतीश जी के राज में, भय नहीं रह गया। तो जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दिलवाई जाएगी। आपको भी पता है, एक उदाहरण हम बार बार देते रहे हैं, रुपेश हत्याकांड जो हुई थी उसमें कौन है आरोप, कौन है उसका हत्यारा, कौन है? अब तक सजा मिली क्या? कुछ नहीं हुआ। पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर पा रही है, ना ही सजा दिला पा रही है। तो क्या लोगों को उम्मीद और न्याय कहाँ मिलेगा? तो नीतीश कुमार जी के राज में पूरी तरीके से जस्टिस मिलना असंभव हो चुका है। आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार में हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए, तो वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी जमकर सुनाया। जैसा कि आप जानते हैं, क्रीमी लेयर के मुद्दे को लेकर दलित समुदाय ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की, प्रदर्शन किया। पुलिस की ओर से भी लाठी डंडे चले, बल प्रयोग हुआ, वाटर कैनन हुआ, लाठी चार्ज किया गया। तमाम तरीके की तस्वीरें पूरे बिहार से भी सामने आई, देखने को मिली। तो वहीं जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को, दोनों को ही लपेटे में लेते नजर आए नेता प्रतिपक्ष। जीतन राम मांझी से जहां सवाल किया, तो वहीं चिराग पासवान को लेकर अपने बयान को दोहराते नजर आए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का ही कहना था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दें। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पहले भी कहा है कि अगर वो ऐसा कोई बयान उन्हें सुना देते हैं तो वो माफी मांगेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है, वो तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करेंगे इस बयान को लेकर। तो वहीं तेजस्वी यादव आज फिर उस बयान को दोहराते नजर आते हैं। अब इस पर तेजस्वी यादव, चिराग या फिर नीतीश कुमार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।